वैसे तो सरकार सफाई के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। स्वच्छ भारत के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, बावजूद उसके भी जमीनी स्तर पर हालात कुछ विपरीत दिखाई पड़ते हैं। दरअसल मामला है 10,000 की आबादी वाले गांव मड़नाके का, जहां लोगों ने गलियों में भरे गंदे पानी की निकासी के लिए सीएम विंडो से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत दर्ज कराई है। इसके बावजूद प्रशासन ने पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया। सैकड़ों ग्रामीणों को अभी भी गलियों के बीच खड़े गंदे पानी से रूबरू होना पड़ता है। गंदा पानी अब महामारी फैलने की ओर अग्रसर है, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ गंदा पानी गलियों में खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ से निकलना दूभर है। इतना ही नहीं, इस गंदे पानी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। ग्रामीण सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गंदे पानी की निकासी की मांग को लेकर 6 अप्रैल को सीएम विंडो पर प्रार्थना पत्र दिया गया, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री कार्यालय के पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद भी प्रशासन ने पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया। अगर इसी तरीके से कुछ समय और यह गंदा पानी गांव की गलियों में भरा रहा तो यहां से उठने वाली दुर्गंध और गंदे पानी से पैदा होने वाले कीड़ों की वजह से गांव में महामारी फैल सकती है। ऐसे में ग्रामीण गंदे पानी की निकासी की हर संभव प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो अधिकारियों ने संज्ञान लिया और ना ही जनप्रतिनिधियों ने। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ग्रामीण गंदे पानी में रहने को मजबूर होंगे या फिर जनप्रतिनिधि और अधिकारी ग्रामीणों की समस्या पर समाधान की मोहर लगाते हैं। कार्रवाई इतनी चल रही है, लगा सीएम इंडो तक और कहा पीएम ऑफिस तक, डीसी साहब के, वीडियो साहब के, कार्रवाई कुछ नहीं। ये वीडियो साहब की रिसीविंग है। अच्छा, ठीक है, ये है डीसी साहब की रिसीविंग है। अच्छा, उसके बाद ये सीएम इंडो की है 23 तारीख की, 6/4 की, सॉरी, के दिए सीएम इंडो में। उसके बाद दी है 23 में पीएम साहब के यहाँ पहुँचा रखी है। और ये फोटो बस सिर्फ कागजी कार्रवाई, ना कोई प्रशासन सुन रहा है, ना कोई भी नगर पालिका वाले या कोई भी है, ना पानी वाले कोई भी। इतनी परेशानी है कि जो देख न रहे अब कितना सारा पानी भर रहा है, लगे छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े बूढ़े तक सब बहन चुप, इतने परेशान है कि उन पर चलने में दिक्कत हुआ, सब पैर ऊपर करके जब स्कूल जा। इतने दिन पे अब बीमारियाँ फैलने लगे इनमें हद से ज़्यादा, इतनी पब्लिक परेशान है, क्या करें, प्रशासन कुछ कर रहा है ना, क्या करें। आगे देखते हैं अब क्या कार्रवाई होती है।